بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام برحمتك استغيث استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه आज की मजलिस में अपने सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह सुबहानहू व तआला के कलाम पाक के उसी आयत मुकद्दसा को फिर एक बार तिलावत किया है जो पिछले कई दिनों से इस आयत मुकद्दसा की तिलावत की जा रही थी मज़मून इन्हीं आयत करीमा के हवाले से है इसलिए हमने इसी आयत करीमा को बतौर बरकत के अपने गुफ्तगू के आगाज में तिलावत किया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसकी बरकत से मज़मून को इंशराह सदर के साथ कहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सुबहानहु व तआला कहने सुनने वाले को अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। सवाल ये चल रहा था कि अल्लाह सुबहानहु व तआला इस बात पर कुदरत रखते थे कुदरत रखते हैं कि अपने नबी व महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से सीधे आसमानों पर ले जाते इसी तरह अल्लाह सुबहानहू व तआला इस बात पर भी कादिर है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की चीज़ें ज़मीन में दिखा देते फिर क्या वजह है कि वाक़ असरा पेश आया और वाक़ मेराज पेश आया कि मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र पेश आया और इसके पीछे क्या राज है क्या हिकमत है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ज़मीन से आसमानों की तरफ ले जाए गए। कुराने मजीद और फुरकान हमीद में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने वाकये असरा यानी क्यों मक्का मुकर्रमा से आसमान की तरफ सफर नहीं हुआ और क्यों मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस ले जाए गए इस राज को अफशा करते हुए इस राज से पर्दा हटाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि लिनुरीहु मिन आयातिना मैंने इसलिए अपने हबीब महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़ असरा कराया कि मैं अपने इस महबूब को अपनी कुदरत की निशानियां और अपने अजायब कुदरत का मुजाहरा करूं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर एक तो अल्लाह सुबहानहू व तआला की सिफत भी है समीउल बसीर
इन्नहु हुवा समीउल बसीर का माना यह है कि वो अल्लाह सुनने वाला भी है और वो अल्लाह ताला देखने वाला भी है। लेकिन यहां मुफस्सिरीन की एक बहुत बड़ी जमात यह भी कहती है कि यहां इन्नहु की जमीर अल्लाह सुबहानहु व ताला की तरफ नहीं, और ये जो दो सिफत बयान की गई है, ये जो दो खासियत बयान की गई है इस आयत करीमा में कि इन्नहु हुवा समीउल बसीर, कि बेशक वो देखने वाला भी है और बेशक वो सुनने वाला भी है, समी भी है बसीर भी है, ये अल्लाह सुबहानहु व ताला की सिफत नहीं है इस आयत करीमा में, बल्कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफात अल्लाह ने बयान की। इसलिए कि पहले फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, मैंने इस रात अपने बंदे हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मुकद्दस तक ले जाना है ताकि मैं इसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाऊं, और ये मेरे निशानियों के कुछ अजाइब का मुजाहिरा करें। क्यों? इन्नहु हुवा समीउल बसीर, इसलिए कि ये मेरा महबूब बहुत ही ज़्यादा सुनने वाला, खूब खूब सुनने वाला, और मेरा महबूब बहुत ही खूब खूब बसीरत रखने वाला है। अब जाहिर है, जैसे मैं आपको इससे पहले बतला चुका हूं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हो और कोई उस्ताद एक बच्चे को मुंतखब करता है अपने किसी काम के लिए, दूसरे बच्चे अगर ये एतराज करते हैं कि हमें ऐसा क्यों नहीं कहा गया, इसको क्यों कहा गया, इसके साथ क्यों कराया जाता है, तो फिर उस्ताद उसका ये जवाब देता है कि मुझे पता है कि ही इज गॉट द टैलेंट, ये जो काम मैं कराना चाहता हूँ तुम सबसे ज़्यादा इसमें टैलेंट है। और यही है वो बच्चा जो बखूबी अंजाम दे सकता है उस काम को, और जो काम मैं चाहता हूँ उसको अच्छी तरह यही बच्चा कर सकता है। जब उस्ताद जी वजू करने जाते हैं, उस्ताद जी किसी से मिलने जाते हैं दूसरी क्लास में, उस्ताद जी वक़्त से पहले छुट्टी करके 6 बजे चले जाते हैं, तो क्लास में एक बच्चे को मॉनिटर रखे जाते हैं, तो वो मॉनिटर कौन होता है? कोई कल आया हुआ बच्चा या छोटा बच्चा, क्लास का कोई आम बच्चा मॉनिटर नहीं बनता, बल्कि उसी बच्चे को बनाते हैं कि जिसको उस्ताद मॉनिटरी के लिए मुनासिब समझता है, उसके टैलेंट से, उसकी खूबियों से वाकिफ होता है कि ये पूरी क्लास को अच्छी तरह मैनेज कर सकेगा और तमाम बच्चों की निगहबानी और निगहदाश्त कर सकेगा, उसी बच्चे को उस्ताद मॉनिटर बना के जाता है। अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं कि ये मेराज का वाकया, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मक्का से बैतुल मक़दस ज़मीनी सफ़र इसलिए कराया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि मेरा महबूब उन तमाम की तमाम निशानियों को देख ले जो मेरी कुदरत की निशानियां हैं, उन तमाम अजायबात को देख ले जो मेरी ताकत और शान और शौकत के अजायबात में से हैं। ए अल्लाह क्यों, इसको क्यों ऐसा? तो फरमाया इन्नहु हुवा समीउल बसीर, मैं जानता हूँ कि मेरा ये महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समी भी है और बसीर भी है। तो इस आयत करीमा में आम मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अस्समी और अल बसीर ये हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत के तौर पर अल्लाह सुभानहू व तआला लाए हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए कि जो शख्स अल्लाह सुभानहू व तआला जिसके बारे में कहे कि वो समी है, और अल्लाह सुबहानहू व ताला कहें उसके बारे में कि वो बसीर है, तो खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो सुनने के एतबार से, बसीरत के एतबार से कितनी ज़बरदस्त बसीरत और कितनी ज़बरदस्त फहम व दानिश रखता होगा, और वो शख्स अपनी समात के एतबार से किस कदर समी होगा कि जिसको अल्लाह सुबहानहू व ताला समी व बसीर कहें। वैसे एक और मौके पर भी अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आम इंसानों पर भी समी व बसीर का इतलाक किया है। कोई ये ना समझे कि देखो इससे बंदा मुशरिक हो जाता है अल्लाह की सिफत एक को दे रहा, बल्कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपनी सिफत में से ये दो सिफतें इंसान को भी अता फरमाई। 29वां सिपारा है
और सूरह कयामा के बाद एक सूरत आती है सूरतुल दहर, और ये सेकंड टू लास्ट सूरत है, उसके बाद 29वां सिपारा खत्म हो जाता है। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं, हल अता अल इंसान हीनु मिन दहर, बेशक इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है कि लम यकुन शय मस्कूरा, वो कोई शय मस्कूर नहीं था, वो काबिल तज़किरा और काबिल ज़िक्र नहीं था। 50 साल पहले, सॉरी मैं अपनी उम्र सही कर रहा हूँ, इनको कोई जानता था, ये थे ही नहीं 50 साल पहले। अब तो इनका तो अल्हम्दुलिल्लाह मर्तबा है, गाड़ी रुकती है तो पूरा मजमा जो है वो सारा जो है वो निकल के आ जाता है, इमाम खाना काबा अंदर बेशक बयान कर रहे हो पर दुनिया इनको देखने के लिए आ जाती है कि चलो चल के देखिए मौलाना बिलाल साहब का खलीफा इनका पीर कैसे बन गया, है कि नहीं रूल अमीन साहब? मैं कोई गलत कह रहा हूँ? इसके तो आप ऐनी शाहिद है, और आपने आकर मस्जिद में खूब बात कर दी होगी। नहीं, ये तो सिफत फैलाने वाली है कि अल्लाह ने जिसको शान दी हो, लेकिन 50 साल पहले इन्हें कोई नहीं जानता था, 40 साल पहले, 50 साल पहले मुझे कोई जानता था? आप में से जिसकी जो उम्र है उससे, उस उम्र से एक दिन पहले, दो दिन पहले हम शय मस्कूर ही नहीं थे, किसी का नाम जुल्फिकार नहीं था, किसी का नाम खालिद नहीं था, किसी का नाम असलम नहीं था, किसी का नाम हाफिज अहमद नहीं था, हजी आजम नहीं था, नहीं थे। लम यकुन शय मस्कूरा, इंसान पर एक जमाने ऐसा गुजरा है वो शय मस्कूर ही नहीं थी। फिर इन्ना खलकना लिंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली, फिर हमने इसको एक मिले जुले पानी से पैदा किया है, इसकी तफसीर आप सब जानते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, फजालना हो समी अम बसीरा, फिर मैंने इसको समी भी बनाया फिर इसको बसीर भी बनाया, फजालना हो समी अम बसीरा, फिर मैंने इसको समी भी बनाया फिर मैंने इसको बसीर भी बनाया। तो ये आम इंसान अपनी जात के एतबार से समी भी हैं, अल्लाह की अता करदा इस सिफत के नतीजे में बसीर भी है, लेकिन हम और आप अपने दर्जे के एतबार से समी और बसीर हैं, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतबार से समी और बसीर है, और फिर हमारी समात और बसारत ये अताई है, अल्लाह के देने से आई है, और हमारी समात और बसारत ये अल्लाह सुबहानहू व ताला के देने से आई है, और हमारी समात और बसारत महदूद है, हमारी समात और बसारत फानी है, लेकिन अल्लाह सुबहानहू व ताला जो समी और बसीर है, ये अल्लाह सुबहानहू व ताला की समा और बसारत ये लाफानी है, ये किसी की अताई नहीं, किसी की दी हुई नहीं, बल्कि उसकी अपनी जाती है। ये अल्लाह सुबहानहू व ताला के सिफत हमेशा से और हमेशा उसके साथ रहने वाली। तो अल्लाह सुबहानहू व ताला के हजरत महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये जो सफर करा रहे हैं, इस सफर के वजह बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैंने इसलिए अपने महबूब को ये जमीनी सफर कराया, मक्का मुकर्रमा से आसमानों पर नहीं ले गया, बल्कि मदीना मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, फिर मदीना मुनव्वरा से कोहे तूर, फिर कोहे तूर से आगे बैतुल लहम, और बैतुल लहम से आगे बैतुल मक़दिस तक ये सारा का सारा सफर इसलिए कराया है, लेनो रियहू मिन आयातिना, ताकि मैं अपने महबूब को, अपने इस बंदे को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाऊं। अब सवाल ये है कि आखिर वो क्या कुदरत की निशानियां थी जो अल्लाह सुबहानहू व ताला के हबीब महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात में देखी। अब इस पर थोड़ी सी हम तवज्जो करें, थोड़ा सा हम ध्यान दें, थोड़ा सा हम गौर करें, लेकिन हम गौर करने के लिए हमारे पास फुर्सत कहाँ है, और अगर हम गौर करें तो हमारे पास इल्म कहाँ है, हमारे पास इतनी बसीरत कहाँ है, हमारे पास इतनी इल्म में वुसअत कहाँ है, दिमाग में और दिल में सफाई कहाँ है? इसलिए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला के उलूम तो दिलों पर खुलते हैं, और उन दिलों पर खुलते हैं कि जिन दिलों में सफाई होती है, जिनके दिल साफ होते हैं, अल्लाह उन दिलों पर अपना नूर खोलता है। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक जुमला है, और बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस जुमले को नकल किया है, फरमाया कि इल्म, इल्म अल्फाज के ज्यादा पढ़ लेने का नाम नहीं है, कसरत इल्म
ज्यादा किरात का नाम नहीं है कि ज्यादा किताबें पढ़ ली तो बहुत बड़ा आलिम हो गया, ज्यादा किताबें पढ़ ली तो बहुत बड़ा इल्म वाला हो गया। फरमाया कि इल्म कसरते मालूमात का नाम नहीं है, बल्कि इल्म उस नूर का नाम है जो अल्लाह सुबहानहू व तआला इंसानों के दिलों में डालता है। वो इल्म दिलों में आता है जिसकी बरकत से उसके ऊपर अल्लाह सुबहानहू व तआला के जो है इल्म के और अल्लाह के कामों के असरार और भेद और रमूज खुलते हैं इंसानों पर। कसरत किरात का नाम इल्म नहीं है, ज्यादती है इल्म का नाम इल्म नहीं है, बल्कि वो नूर है कि जिस नूर के हुसूल के साथ अल्लाह सुबहानहू व तआला फिर दिलों को वसी करता है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ी हस्ती। 13 साल की उम्र में हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा देना शुरू कर दिया था 13 साल की उम्र में। और उस जमाने में ऐसा नहीं था कि हर चलता फिरता आदमी फतवा दे दे, बल्कि उसके लिए मुस्तनद बुजुर्गों के हवाले से उन्हें इजाजत मिलती थी। जिस तरह एक डॉक्टर है, अब डॉक्टरी के लिए अब देखें ये बच्चा जो है वो डॉक्टर बन रहा है, ये डॉक्टर साहब हमारे सामने है। अब ये डॉक्टर सारी किताबें पढ़ ली, पढ़ने के बाद इनको दूसरे दिन डिग्री देने के बाद ये नहीं कहा जाता कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बल्कि इनको कहा जाता है कि तुमने जो है प्रैक्टिस करनी है किसी बड़े डॉक्टर के मातहत रहकर, तुमने एक्सपीरियंस हासिल करना है, उसके बाद तुम अपना जो है काम कर सकते। यही हाल सॉलिसिटिंग का, सॉलिसिटर भी जो है वो सर्टिफिकेट ले ले तो फौरन उसको अपना फॉर्म खोलने की इजाजत नहीं होती, बल्कि उसे 3 साल 5 साल तक किसी फॉर्म में काम करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद इजाजत मिलती है उसको जो है अपनी सॉलिसिटिंग फॉर्म का कायम करने की। इसी तरह दुनिया के दूसरे मसाइल का हाल है। तो इल्म हासिल करने के बाद किसी अल्लाह वाले के नीचे रहकर फिर उस इल्म को पॉलिश करना, उस इल्म की सफाई करना, और फिर बुजुर्गों की ताईद और इजाजत के बाद इस बात की इजाजत होती है कि फतवा दे दो। एक शख्स है 13 साल की उम्र में, कहते हैं कि 70 बड़े बड़े आलिमों ने मुझे जब तक कहा नहीं कि तुम फतवा दे सकते हो, उस वक्त तक मैंने फतवा दिया नहीं। 70 अपने जमाने के बड़े बड़े बुजुर्गों ने 13 साल की उम्र में हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आप फतवा दे सकते हैं, तब इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने फतवा देना शुरू किया। और उम्र क्या थी? 13 साल। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के एक उस्ताद थे हजरत वकी इब्न अल जर्रा। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के हवाले से दूसरे शागिर्दों को एक नसीहत करते हैं, तो बड़ी अजीब व गरीब नसीहत है। फरमाया शकौतु इला वकीन सू व हिफ्ज़ी, शकौतु इला वकीन सू व हिफ्ज़ी फऔसानी इला तर्किल मासी, कि मैंने अपने उस्ताद वकी से कहा कि हजरत मेरा कुव्वत हाफिजा थोड़ा है, मेरा कुव्वत हाफिजा बड़ा खराब है, याद करता हूँ भूल जाता है। ये नसीहत कर रहे हैं तलबा को कि शकौतु इला वकीन सू व हिफ्ज़ी, मैंने अपने वकी उस्ताद से शिकायत की मेरे कुव्वत हाफिजा की कमी के बारे में, तो कहा पाउसानी इला तर्किल मासी, तो उन्होंने मुझे कहा वसीयत की कि सारे मासी और गुनाह छोड़ दो। क्यों? फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही, इसलिए कि इल्म नूर इलाही है, व नूरुल्लाह ला युताले आसी, और अल्लाह अपना नूर किसी गुनहगार को नहीं दिया करता। जबरदस्त शेर है, शकौतु इला वकीन सू व हिफ्ज़ी फाउसानी इला तर्किल मासी फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही वनूरुल्लाह ला युताले आसी, इसलिए कि इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह अपना इल्म गुनहगारों को नहीं दिया करता। अल्लाह तो अपना इल्म वो इंसान जो गुनाहों से पाक हो, वो जिसका दिल साफ हो, अल्लाह फिर उस कुलूब पर अपने उलूम की बहारें उतारता है और खोलता है और दिखलाता है, फिर उनके जरिए से उम्मत को वो इल्म की बहारें मिलती। हम सोचें सोचें सोचें, अव्वल तो सोचने की फुर्सत नहीं, लेकिन सोचे तो कितना कुछ हमारे कल्ब पर खुल सकता है, लेकिन अल्लाह वालों के कुलूब पर अल्लाह सुबहानहू व तआला फिर उलूम और फिर अपने उलूम की बहारें अल्लाह सुबहानहू व तआला खोलता है। कि जिस तरह कोई गार्डन होता है तो किसी गार्डन में 4 जो है फूल के दरख्त लगे हुए हों, किसी में 6 होते हैं, किसी में 8, किसी में 10, और कोई ऐसा भी जो है सरजमीन होती है जिसमें जो डालो अच्छी सी चीज वो अच्छी अच्छी चीज निकल आती है। तो बाज़ कुलूब ऐसे है कि अल्लाह सुबहानहू व ताला बारिश के कतरों से ज्यादा
उस कुलूब पर उलूम को खोलता है और फिर उनके जरिया से इंसानों को जो उलूम मिलते हैं उसकी मिसाल जमाना पेश करने से कासिर होता है। हजरत फखरुल इस्लाम तफसीर कबीर जिन्होंने लिखी, अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े। एक दिन अपने दोस्तों से कहने लगे कि सूरह फातिहा जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे सूरह फातिहा में इस चंद सतर के सूरत में मुझे 10,000 उलूम नजर आते, 10,000 मसले नजर आते सूरह फातिहा में। तो दूसरे कहने लगे कि ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, पर छोड़ो, पर इतनी लंबी मत छोड़ो ना। जैसे एक दूसरे दोस्त को कह देते कि ठीक है छोड़ो, पर इतनी लंबियां तो ना छोड़ो के दर्द के मार के हो किधर उड़ाते हो। उन्होंने कहा पर मुझे तो नजर आते हैं। तो उन्होंने कहा फिर लिखो, जमा करो। कहा अल्लाह तौफीक देगा तो करूंगा। फिर उन्होंने कलम उठाया और सूरह फातिहा की तफसीर लिखी। तो आप हैरान होंगे ये सुनकर कि सूरह फातिहा की तफसीर में 10,000 से ज्यादा मसले उन्होंने अपनी किताब में बयान फरमाए। तफसीर कबीर बड़ी तफसीर कई जिल्दों में है, पूरे कुरान मजीद की उन्होंने तफसीर लिखी है और उसकी सूरह फातिहा की तफसीर में 10,000 से ज्यादा मसले उन्होंने बयान किए। अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा में 10,000 नुक्ते नहीं, 10,000 हुरूफ नहीं, 10,000 लेटर नहीं, अरे वो तो सैकड़ों लेटर है, बस सैकड़ों, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में भी नहीं, लेकिन जो हंड्रेड्स में जो लेटर हो, 200-300 लेटर, और फिर उसके ऊपर अल्लाह सुबहानहु व तआला उनके कुलूब पर इल्म खोलता है सूरत की, तो वो 10,000 से ज्यादा मसले हैं। और मैं कहता हूं और मेरा ईमान है कि फखरुद्दीन राजी, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने तेरे दिल पर जो इल्म उतारा है ये इल्म बहुत थोड़ा है, बल्कि मैं ये कहूं कि ऐसे दसियों लाख मसाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा में रखे हुए हैं अभी तक, जो किसी इंसानों के कुलूब पर नहीं खुले, तो फिर मैं गलत नहीं हूं। इसलिए कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह सुबहानहु व तआला के कलाम के एक एक हरफ में लाखों मसले हैं। तो ये तो एक इंसान, कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर 10,000 मसले इमाम फखरुद्दीन राजी ने सूरह फातिहा से निकाले। अरे ऐसे दसियों लाख मसले अभी छुपे हुए हैं, अभी सूरह फातिहा के अंदर छुपे हुए हैं। मैंने सुना हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे कि सूरह फातिहा के अंदर इतने मसले हैं कि अगर मैं लिखना शुरू कर दूं तो 70 ऊंटों का बोझ बन जाएगा और सूरह फातिहा के मसाइल खत्म नहीं होंगे। यानी इतने मसाइल लिखूं कागजों पर और उन कागजों को ऊंटों पर जमा करता रहूं तो 70 ऊंटों का बोझ बन जाएगा वो सूरह फातिहा के, मैं जो मसाइल लिखना शुरू करूं तो ऊंट तो भर जाएंगे, 70 ऊंट हो जाएंगे, लेकिन अभी सूरह फातिहा के मसले खत्म नहीं। जब हजरत अली के इल्म का ये हाल है तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्ब पर सूरह फातिहा के कितने उलूम होंगे और कितने मारिफ होंगे। और फिर खुद अंदाजा लगा लीजिए कि खुद परवरदिगार के निगाहों में सूरह फातिहा के पास कितने मसाइल होंगे और कितने उलूम होंगे। तो अल्लाह ताला ये उलूम बहरहाल में कह रहा था उन कुलूब पर उतारते हैं जो दिल से साफ होते हैं, जो अपने दिल को गुनाहों से, जो अपने दिल को गैरुल्लाह से, जो अपने दिल को अल्लाह सुबहानहु व तआला की नाफरमानी से बचाए रखते हैं, साफ और शफाफ रखते हैं, फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला उन कुलूब पर अपने उलूम को उतारते हैं। तो बुजुर्गों ने इस आयत करीमा में गौर किया, लिनो रेहू मिन आयातिना पे गौर किया कि मेरे अल्लाह तूने कहा मैं अपने महबूब को कुछ निशानियां दिखाऊं, तो क्या निशानियां दिखाई आपने, आपने तो इतनी जुमला कह दिया लिनो रेहू मिन आयातिना, ये सफर में मैं अपने महबूब को कुछ निशानियां दिखाना चाहता हूं, तो अल्लाह वो निशानियां क्या दिखाई है। फिर उन्होंने कुरान मजीद में गौर किया, फिर उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गौर किया, फिर उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के एक एक जो है मरहले पर गौर किया, तो फिर उम्मत के सामने वो चंद मसले रखे हैं, वो चंद बातें रखी हैं कि अल्लाह सुबहानहू व तआला इस सफर में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को दर हकीकत दिखाना क्या चाहते थे। तो एक बात मैं शुरू कर भी चुका हूं, दो बात मैं शुरू कर चुका हूं, उनमें से एक बात तो ये कि अल्लाह सुबहानहू व तआला सबसे पहले अपनी कुदरत ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे महबूब मेरी इस कुदरत का भी तो मुजाहिरा कर लो, मेरी इस कुदरत को भी तो देख लो कि मैं
अपने बंदे में से जिसको मैं चाहूं इतना लंबा सफर आनंद फानंद तय करा दूं। ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से कि जब अल्लाह चाहे, एक हमेशा एक बात ध्यान में रखें, अल्लाह सुबहानहू व तआला की एक सुन्नत होती है, एक उसूल होता है, एक जाबिता होता है, और पूरी दुनिया और अल्लाह सुबहानहू व तआला का आम निज़ाम है दुनिया, उस उसूल के तहत, उस सुन्नत के तहत चलता है। मसलन किसी को गल्ला उगाना हो तो फिर उसे दाना डालना पड़ेगा, किसी को बच्चे चाहिए तो उसे शादी करनी पड़ेगी, मियां बीवी का मिलाप होता है फिर बच्चे होते हैं। इसी तरह ये उसूल है, एक सुन्नत है अल्लाह सुबहानहू व तआला की, लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला इस उसूल से हटकर, इस आम ज़ाबते से हटकर अल्लाह सुबहानहू व तआला की एक कुदरत होती है। ये एक अल्लाह की सुन्नत है, ये एक अल्लाह का एक उसूल है, एक अल्लाह का ज़ाबता है, और एक अल्लाह सुबहानहू व तआला की कुदरत है। एक सुन्नत है, एक कुदरत है। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला पूरी निजाम आलम को अपनी सुन्नत के तहत चलाते हैं, लेकिन उस सुन्नत पे चलाने के साथ साथ हमेशा जहन में ये बात रहे कि कभी कभी अल्लाह सुबहानहू व तआला अपनी कुदरत भी दिखा देते हैं कि कहीं दुनिया वाले ये न समझ जाए कि अल्लाह अपना एक ज़ाबिता मुकर्रर करके उस ज़ाबिते का पाबंद हो गया है, अब उसके बगैर अल्लाह सुबहानहू व तआला कर कुछ नहीं सकता। अल्लाह फरमाते हैं मैं उस ज़ाबिते के तहत पूरा निज़ाम चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी अपनी कुदरत का मुजाहिरा करके, दुनिया को हैरान करके ये बात दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ कि मैं उसूल मुकर्रर करके, मैं उसूल का पाबंद नहीं हो गया, मेरी कुदरत महदूद नहीं हो गई, मेरी कुदरत पहले की तरह लामहदूद है। छुरी काटती है, ये एक उसूल है। आग जलाती है, ये एक उसूल है। पानी डुबोता है, ये एक उसूल है। मछली खा जाए तो आदमी मर जाता है, ये एक उसूल है। लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला ने, दुनिया में ऐसा हुआ कभी आदमी डूब जाए, मछलियां खा ले, आदमी मर गया। छुरी चलाए, चीजें कट जाती है। आग के अंदर कोई चीज फेंको, जल जाती है। पानी के अंदर कोई चीज फेंको, डूब जाती है। ये हमेशा से होता चला है, और दुनिया ने एक उसूल इसको देखा है, और दुनिया बतौर उसूल के इसको अपनाती भी है। लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं कभी कभी मैं इसके बरखिलाफ कर देता हूं। क्यों करता हूं? ताकि मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैं उसूल का पाबंद नहीं हो गया, और मेरी कुदरत महदूद नहीं हो गई, अब जो कुछ लेना है इसी तरीके से लेना है, नहीं बल्कि मैं अपनी कुदरत का मुजाहिरा करके बताता हूं। छुरी काटती है लेकिन मेरे अमर से काटती है, लेकिन जब मैं अमर खींच लूं और अमर रोक लूं तो छुरी हजार मरतबा चलाओ लेकिन चलने के बावजूद काटती नहीं। चलाने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, कि जिसके पास 100-100 मर्दों की ताकत हो, अल्लाह के पैगंबरों के पास 100-100 मर्दों की ताकत होती है, और 100-100 मर्द भी कौन, जन्नत के मर्दों की ताकत, और जन्नत के मर्दों की ताकत तो बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे 40-40, 100-100, बाज रिवायतों के मुताबिक 40 और बाज के मुताबिक 100-100 जन्नती मर्दों की ताकत अल्लाह सुबहानहू व तआला के नबियों के पास होती है। चलाने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हाथ में तलवार है और छुरी, और वो सबसे ज्यादा तेज है, और जिसके गर्दन पर चलाई जा रही है वो नन्ना सा बच्चा है, नर्म नाजुक गर्दन है, इस्माइल है। इस्माइल के गर्दन पर इब्राहिम खलीलुल्लाह छुरी चला रहा है और पूरी कुव्वत और ताकत के साथ चला रहा है, लेकिन छुरी ने चला काटा इब्राहिम हजरत इस्माइल की गर्दन को, नाजुक नर्म नाजुक गर्दन को काटा, नहीं ना काटा, जब बार बार चलाया और बार बार चलाने के बाद छुरी कटती नहीं है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह को आ गया गुस्सा और फेंकी जमीन पर, और सामने चट्टान थी, चट्टान पर जोर से छुरी मारी कि कंबख्त चलती नहीं है, कैसी खराब है छुरी जो चलती नहीं है। जब चट्टान पे गई है तो लिखा है किताबों में कि चट्टान को छुरी ने काट दिया, पत्थर को काट दिया। इब्राहिम खलीलुल्लाह बोल पड़े कि वाह, मेरे इस्माइल की गर्दन नहीं काट रही है, और काटने को आई तो चट्टान को काट दिया, तो अल्लाह ने छुरी को गोयाई दी। छुरी ये कहती है इब्राहिम खलीलुल्लाह ये चाहता है कि मैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन को काट दूं, लेकिन रब्बे जलील ये चाहता है मैं ना काटूं। खलील ये चाहता है कि इस्माइल की गर्दन कट जाए, लेकिन जलील तो ये चाहता है ना कटे, मैं तो जलील की बात मानने की। अब देखा आपने,
ये अल्लाह की कुदरत है, पानी डुबोती है हर चीज को, लेकिन नहीं डुबोया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इसमें थे, डब्बे में थे, और फिर जब पूरा समंदर जो है वो पानी खड़ा हो गया और पूरा लश्कर निकल जाता है दरियाए नील से। और ये तो अंबियाए किराम के मौजजात हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की करामतें जिम्मे है कि दरिया में डाल दिया अपने घोड़े। वो अल्लामा इकबाल ने कहा इसी से कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा इकबाल का ये शेर है, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साहबे किराम ने दरिया में घोड़े दौड़ा दिए हैं, चला दिए हैं, और घोड़े चल रहे हैं दरिया पर। साहबी फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हो, सैकड़ों का लश्कर था, किसी एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हो ना डूबे हैं, ना उनका कोई घोड़ा डूबा है, बल्कि फरमाते हैं हमें तो ऐसा लगा जैसे हम रेत पर चल रहे हैं, पानी पर नहीं रेत पर चल रहे हैं, और हमारे घोड़ों के सिर्फ खुर हैं, खुर पांव के नीचे के जो उनके जूतियां होती है, बस उनकी जूतियां सिर्फ गीली हुई है, पांव भी गीले नहीं। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला का सिर्फ पीने का कटोरा और प्याला दरिया में गिर गया, और दूसरे सारे कहते मेरा कटोरा गिर गया है। जब ये सारा उतर गए दरिया से निकल गए और पीछे मुड़कर देखा तो दरिया की एक मौज आई और उनके सामने उनका कटोरा था, नकाय तेरा कटोरा रह गया, अपनी अमानत लेते हुए चले गए। जब उन्होंने देखा, ईरानियों ने देखा, तो चिल्ला उठे, कह लगे देव आमदन, ये इंसान नहीं आए, कोई भूत है, ये भूत आ गए, देव आ गए, ये तो इंसान है ही नहीं, भला इंसान इस समंदर को घोड़े के ऊपर तय करके हमारे पास आ जाए, ये तो नामुमकिन है, ये तो देव है इंसान नहीं। तो एक अल्लाह की कुदरत है, मैं बताने ये था, एक अल्लाह की कुदरत है, एक अल्लाह की सुन्नत है। आम दुनिया अल्लाह सुभान व तआला अपने सुन्नत के मुताबिक चलाता है, लेकिन जब अपने कुदरत का मुजाहिरा करने पे आता है तो अल्लाह ये बता देता है कि देखो सुन्नत वाके करके निजाम सुन्नत चला के मैं निजाम का पाबंद नहीं हो गया हूँ, आज भी उसी कुदरत और ताकत का मालिक है। दुनिया बच्चा बच्ची मियाँ बीवी से लेती है, लेकिन अगर अल्लाह ने कहा मेरा फैसला हो जाए, मैंने एक जी को पैदा करना है, तो बाप कोई नहीं, लेकिन मरियम से मैंने बेटा पैदा नहीं कर दिया। दुनिया बेटा लेने के लिए मर्द और औरत की मोहताज, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा एक निजाम है, ये दुनिया वालों के लिए है कि बेटा बेटी लेने के लिए मर्द और औरत के मोहताज हो, लेकिन मैं अल्लाह हूं अपनी कुदरत का मुजाहिरा यूं भी कर सकता हूं कि मुझे बच्चा देने के लिए, बेटा देने के लिए मर्द की जरूरत नहीं, एक माँ से ही बच्चा दिलवा सकता हूं। ये तुम्हारे सामने मिसाल ईसाई इब्ने मरियम की। तो अल्लाह पाक बताते हैं एक तो निशानी ये कि मेरे महबूब ले नो रिया हूं मैंने आया थे ना, एक निशानी ये भी दिखाता हूं कि देखो ये 40 दिन का सफर है, ऊंट पे बैठ के जाओ, आराम से अपनी मंजिल तय करो, दुनिया तय करती है तो 40 दिन में जाती है, ये मेरी सुन्नत है। गाड़ी पर बैठो, हवाई जहाज पर बैठो, और जो है साइकिल पे बैठो, मोटरसाइकिल पे बैठो, अपनी अपनी स्पीड से जाओ, मंजिल तय करोगे कई दिनों में। लेकिन एक ये भी मेरी कुदरत है कि मैं आनन फानन मसाफत, जो लंबी चौड़ी मसाफत होती है, मैं उसको छोटा कर देता हूं, समेट देता हूं, वही मसाफत जो 40 दिन की है, और अगर मैं चाहूं तो 40 सेकंड में बस के इससे कम के अर्से में मैं तुम्हें तय करा दूं। और ये तयुल मकान और तयुल जमान, ये बुजुर्गों, मैं बता रहा था उस दिन के, ये बुजुर्गों के यहां बड़ा मशहूर मसला है कि एक है, एक इंसान आम इंसान चले उस रास्ते पर तो चलते हुए कई दिन लगते हैं, 10 दिन 12 दिन 20 दिन, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से बाज बंदों को ये करामत अता फरमाते हैं कि वही 20 दिन की मसाफत अगर तय करना चाहें तो आधे घंटे में, एक घंटे में तय कर लिया करते। मेरे और आपके दादा पीर शेख उत्ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की नव्वर अल्लाह मरकदहु व बर्रद मस्जिदहु, मक्का मुकर्रमा में उनका मजार है, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए। हमारे जितने बड़े हैं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कुतुब आलम हजरत गंगोई नवर अल्लाह मरकदहु, और हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा पीर शेखुल मशाइख हजरत मौलाना खलील अहमद साहब अम्बेठवी,
نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ اور اس جیسے بہت سارے اکابر ہیں, یہ ان سب کے پیر ہیں, اور ایسے پیر ہیں کہ ایسے ان پیروں کو تو بریلوی بھی مانتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی بھی مانتے ہیں, بریلیوں کے یہاں بھی حضرت پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کو کافر کہتے ہیں, جس کو بڑے یہ کہیں کہ یہ میری آنکھ ہے, یہ میرا علم ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میرا پیر ہے. پیر صاحب اپنے شاگردوں کو اتنے بڑے ریمارک سے تعبیر کریں, وہ تو ہوئے کافر, لیکن پیر صاحب ان کے یہاں پھر بھی مسلمان ہیں. اللہ نے بڑا مرتبہ دیا, ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے, ان کے خاص خادم تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے ہم مکہ شریف میں رہتے تھے تو ہم نکلے جلدی, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جلدی جلدی نکلنے کا معمول تھا. جمعہ کے بارے میں ان کی دو باتیں بتا دوں, ایک بات یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے قدم سے چلتے تھے تاکہ زیادہ قدم ہو, کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن جو قدم اٹھتا ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالی ایک سال کے روزے کا اور ایک سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں ہر قدم پر لکھتے ہیں. جمعہ کے دن کے ہر قدم پر اللہ ایک سال کے روزے کا اور ایک سال کے قیام کا اللہ ثواب لکھتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے قدم, اب تو چلو آج یہ سننے کا تو فائدہ ہوا نا, آئندہ بھی ہم لوگ بھی آئیں گے تو ذرا بڑے قدم نال نہیں, نکے نکے قدم نال, ذرا جلدی نکل پڑیں گے. ہر قدم پر اللہ ایک سال کے روزے کا اور ایک سال کے قیام کا, راتوں کی عبادت کا, کتنا بڑا ثواب ہے. تو چھوٹے چھوٹے قدم سے آتے تھے تاکہ زیادہ قدم ہو جائے تو زیادہ ثواب آ جائے. اور نمبر دو, ان کا ایک دوسرا معمول بتا دوں, وہ خوشبو لگاتے تھے. ہم اور آپ لگاتے ہیں, تو کہتے ہیں ایک دن حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوشبو لگا رہے تھے تو بہت سارے علماء ان کے شاگرد تھے, ہر عالم کو پوچھا خوشبو کیوں لگاتے ہو, بھائی تم نے عطر لگایا؟ کہا ہاں. کہا عطر کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا اس لیے, 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 انہوں نے کہا اس لیے. ہر ایک کا سنا. آپ بھی لگاتے ماشاء اللہ, کس لیے لگاتے؟ سنت ہے اس لیے. آپ لگاتے ہوں گے اس لیے کہ دوسروں کو خوشبو آئے, آپ لگاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے کپڑے سے جو ہے وہ لوگوں کو میں کے بدبو ہے وہ دور ہو جائے, چھان دور ہو جائے. مختلف وجوہات ہر انسان کی ہوتی ہے عطر لگانے کی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے سب کے سنی اور سب سے سننے کے بعد کہا میں تو اس لیے عطر لگاتا ہوں کہ میں اللہ میاں کو اچھا لگوں. اتنا زبردست جملہ کہا کہ اس لیے میں لگاتا ہوں کہ اللہ میاں کو, اللہ کی نگاہ میں میں اچھا لگوں, اس لیے میں خوشبو لگاتا ہوں. اور دوسری جتنی وجوہات ہیں وہ تو ہوگی, سنت بھی آ جائے گی, لوگوں کو خوشبو بھی آ جائے گی, بدبو بھی دور ہو جائے گی, لیکن ان کا اللہ پاک کے ساتھ استعزار اور تعلق دیکھیے. کہا میں تو اس لیے لگا رہا ہوں کہ اللہ پاک خوش ہو جائے, میں اللہ میاں کو اچھا لگوں. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلے, جب نکلے تو اپنے خادم سے کہنے لگے حرم پاک تو ہم جا رہے ہیں مکہ شریف, تو جی چاہتا ہے آج ہم جمعہ کی نماز مدینہ شریف میں پڑھیں. حضرت نے کہا حضرت اگلی جمعہ کی؟ چھ آٹھ دن کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں, بلکہ دس دن کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ کو نکلے, حجت الوداع کے موقع پر 26 ذی القعدہ کو نکلے, اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 4 ذی الحجہ کو پہنچے مکہ مکرمہ میں. اور وہ ذی القعدہ, جس ذی القعدہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نکلے تھے, وہ ذی القعدہ 29 دن کا تھا. تو 26, 27, 28, 29 اور یہاں 4, یہ تقریباً 8-9 دن بنتے ہیں. 25 لخمسن بقینا من ذی القعدہ, 5 دن باقی تھے. تو یہ 5 اور وہ 4, 9 دن کا سفر تھا. تو انہوں نے کہا حضرت اگلی جمعہ کی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں, میں اس جمعہ کی بات کر رہا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جمعہ ہم مدینہ طیبہ میں پڑھیں. انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہم حرم پاک جا رہے ہیں, ابھی کچھ دنوں میں, ایک گھنٹوں میں, کچھ گھنٹوں میں جمعہ کی اذان ہوگی. میں جی چاہتا ہے چلیں. کہا چلیں. کہا ہاتھ پکڑ لو. ہاتھ پکڑ لیا اور ایک پہاڑی پر لے گئے, اور ایک پہاڑی تھوڑا سا چڑھایا, کوئی 15-20 منٹ پہاڑی کے اوپر چڑھے, اور جب بالکل پہاڑی کے اوپر پہنچے تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا. کہا بھائی جلدی چلو, جلدی چلو, جمعہ کی نماز ہونے والی ہے, وہیں چل کے پڑھتے ہیں جمعہ. جمعہ مسجد خضرا میں, گنبد خضرا میں, مدینہ طیبہ میں جمعہ پڑھی, لوگوں سے ملے,
مدینہ شریف والوں سے ملے, وہاں جتنے اکابرین تھے سب سے ملاقات ہوئی, عصر کی نماز وہاں پڑھی, اور پھر کہنے لگے چلو بھائی ہم تو مغرب اپنے ڈیرے پر چل کے پڑھتے ہیں. پھر ہاتھ پکڑا چند ایک ٹیلا نظر آیا, اس کے اوپر چڑھے, اور جب اوپر پہنچ گئے تو سامنے سے سورج ڈوبنے کے نظر آ رہا تھا, نظارہ ہو رہا تھا, اور سامنے خانہ کعبہ کے مینارے نظر آ رہے. تو ایک ہی دن میں کہاں 9 دن کا سفر ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طی المقام یوں کرایا کہ چند گھنٹوں میں چند مہینے چند ہفتوں کا سفر اللہ, چند دنوں کا سفر اللہ تعالیٰ طے کرا دیتے. پھر ان کے وہ مرید فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے مکہ کی ساری پہاڑی چھان ماری, سارے ٹیلے چھان مارے. میں نے کہا کوئی شارٹ کٹ ہوئے تھا مدینہ جانتا رستہ؟ انہوں نے کہا جب اوپر جاتا ہوں پہاڑی نظر آتے ہیں, مجھے تو مدینہ شریف نظر ہی نہیں آیا. بھائی وہ تو کمال ان کا تھا, اس کا کمال تھا کہ جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے فاصلے اللہ نے سمیٹ دیے. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض بزرگوں کو جسے کہتے ہیں طی المکان, کہ اللہ تعالیٰ مکان اور فاصلے کو اللہ تعالیٰ چھوٹا کر دیتے. ابدال کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ابدال وہ جماعت ہوتی ہے 30-40 آدمی, بعض روایتوں میں 30 ہے, زیادہ روایتوں میں 40 کا تذکرہ ہے, کہ 40 لوگ ہر وقت روئے زمین پر ایسے ہوں گے کہ جنہیں ابدال کہا جاتا ہے. اور ابدال اس لیے کہ ایک بڑی جماعت ہوتی ہے, بہت بڑے ولی اللہ کا ایک منصب ہوتا ہے اولیاء اللہ میں, جو بہت بڑا اونچا منصب ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے دشمنوں پر تمہیں پتہ بھی عطا کرتا ہے, ان کی وجہ سے اللہ آسمانوں سے بارشیں میں نازل کرتا ہے, اور ان کی وجہ سے اہل زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی بھی عطا کرتا ہے. اتنے اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں, ابدال ان کو کہا جاتا ہے, شام کے علاقے میں رہنے والے ہوتے ہیں. اور یوں فرمایا ابدال اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے, جیسے ان میں سے 40 میں سے کسی کا انتقال ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً اس کی جگہ ایک دوسرے کو بدلہ میں فوراً بدل دیتے ہیں, اس لیے ان کا نام ابدال ہوتا ہے. اور جس کیٹیگری سے اوپر سے نیچے آتے ہیں نا, یہ ہر آدمی میرے اور آپ جیسا آدمی نہیں, پر وہ جو ابدال بننے کے لیے جو ہوتے ہیں منتخب لوگ ہوتے ہیں, وہ اس سے اوپر والے ہوتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں خیار, اخیار. یہ اخیار 500 اولیاء کی ایک جماعت ہے, اولیاء کا ایک منصب ہے. یہ 500 ہر وقت زمین میں ہوتے ہیں, جنہیں اخیار اور خیار کہتے ہیں. اور پھر ابدال میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جماعت اخیار میں سے اور خیار میں سے ایک کو ابدال کی جگہ مقرر کر دیتے ہیں. تو بڑے اونچے, اور ان کو یہ سارے کے سارے حرم پاک میں مغرب کی نماز میں جمع ہوتے ہیں, اور پھر عشاء کی نماز کا جب وقت آتا ہے اور پھر وہاں سے اپنی ڈیوٹی لے کر چلتے ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ دنیا کے دوسرے کونے میں وہ اسی دن کے عشاء کی نماز پڑھنے والے. ایک کہاں اور ایک کہاں اور ایک کہاں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے زمین کے نظام کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں. جو منزلیں مہینوں میں طے ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے منٹوں میں, سیکنڈوں میں اور گھنٹوں میں طے کروا دیتے. تو یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ زمینوں کو سمیٹتے. اللہ میں آپ کہیں گے یہ کیا, میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں اور اپنی بات ختم کروں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے جو اچانک مجھے یاد آ گئی آپ سے. اس کو زمین کے سمٹنے کا اور بڑھنے کا اور اللہ کے حکم کا براہ راز ان کی طرف آنے کا آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا, ابھی ذہن میں آ گئی ہو, اور ہے بڑی لمبی حدیث پر کئی دفعہ آپ نے سنی ہے, اس لیے میں اس کو شارٹ کر کے بیان کرتا ہوں. وہ زمین, وہ واقعہ مسلم شریف کا کہ جس میں ایک شخص کا جس نے 99 آدمی قتل کر دیے تھے, بڑا گنہ گار تھا, 99 آدمی کو قتل کر دیا. بوڑھا ہونے کو چلا آیا تو اسے یاد آیا کہ اللہ کے پاس جانا ہے, اور بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ پاک نے بہت مارنا ہے, میرے تو ہڈیاں پنسڑنی ہیں اللہ پاک نے, میرا تو سرما اور کیما بنا دیں گے, بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے. پر کس طرح مانگوں, جاہل تھا, ساری زندگی لڑائی جھگڑے میں گزری اس کی. ایک مولوی صاحب کے پاس گیا, اس نے کہا کہ مولوی صاحب 99 میں نے قتل کیے ہیں, اب میں اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. مولوی صاحب پتہ نہیں الوداع انتظار کر دے ونڈے, اور آ گیا بندہ اوپروں اے جڑا معافی مانگنے واسطے آیا. مولوی صاحب نے کہا تو اور معافی, 99 قتل کے بعد معافی کے لیے تو آیا, جا نکل کمبخت ادھر سے, خبردار جو اس طرح منہ بھی کیتا. تو اس نے کہا اچھا میری معافی؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی. انہوں نے خنجر کٹیا, انہوں نے آخیا 99 تو پورے 100 اس کو بھی لگا دیا.
नका जी माफी नहीं तो तू मेरे नाल इतना औखा क्यों बोलता है, चल अगे तू भी लंग। उसको भी कतल, 100 कतल पूरे कर दिए। चंद दिन गुजर गए, गुजरने के बाद फिर उसे ख्याल आया कि भाई ये 100 कतल कर दिए, कोई तो रास्ता वेगा। फिर किसी और मौली साहब के पास गया, इस बारी मौली साहब चंगे सन मेरी तरह, वो आ गए ने, आ जाओ जी पुत्र, वो समझे मिठाई लेकर आया है। उन्हें कहा बुआ खोलो इसको, बुलाओ अंदर लाओ, क्या बात है, मेरे दोस्त वास्ते मिठाई ले आ दी, आज आपको खिलाऊंगा इंशाल्लाह, शादी की मिठाई है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। खाएंगे ना, डायबिटीज वाले जरूर खा के जाए इंशाल्लाह, शादी की है, अभी वो हुई नहीं है शादी, लेकिन मिठाई शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक गला ली नहीं, ये नवी शादी दी है जो अगले हफ्ते होने वाली है, उसके आज से आपको पेश की मिठाई आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उन्होंने कहा 100 कतल कर दिए, फिर कहा माफी चाहता हूँ, अल्लाह से मांगना चाहता हूँ। कहा बिल्कुल क्यों नहीं, 100 सिर्फ 100 कहते, तू 200 भी कर लेता तो तेरी माफी थी। कहा है माफी, ने कहा, उन्होंने कहा फिर क्या करना पड़ेगा, उसने कहा तुझे जाना पड़ेगा फला बस्ती में, इस बस्ती को छोड़ और निकल जा और उधर जा, जिस बस्ती में वो रहता था उस बस्ती का नाम था कफरा या काफिरा, और जिधर जाने का हुक्म दिया था उस बस्ती का नाम था नासिरा या नसरा, उधर जा। तो कहा चला जाऊंगा, कहा निकल जा सुबह सवेरे, चुनांचे सुबह सवेरे पैकअप किया और पैकअप करने के बाद निकल गया। अभी उस बस्ती के करीब मुंह ही करके आगे रास्ते में उसे मौत आ गई, गिर गया। और जब गिर गया ना तो अब उसके टांग वांग जवाब दे गई, बदन में अभी थोड़ी ताकत थी, उसने जरा सीना आगे करके गिरा है ताकि मैं और ज्यादा नेड़े हो जाऊं, मर गया। अब यहां से अजाब के फरिश्ते आ गए, इस बंदे को हमने जहन्नम ले जाना है, 100 कत्ल किए। इधर से आ गए रहमत के फरिश्ते, इसको जन्नत ले जाना है, तौबा के लिए जा रहा था। दोनों लड़ रहे हैं, कहीं जाली तौबा की नहीं, पहुंचिया नहीं होते ना, क्या पहुंचिया नहीं थे के यार चलते पिया सी ना, नीयत तो ही दिसी की, लिहाजा हम इसको जन्नत ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम इसे जहन्नम ले जाएंगे। अब दोनों रहमत के और अजाब के फरिश्ते लड़ रहे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा। कहा क्यों झगड़ते हो, कहा इंसाफ मैं कर देता हूँ फैसला। उन्हें कहा कर लो। उन्होंने कहा जिधर जा रहा है उधर की जमीन नाप लो, और जिधर आ रहा है जिधर से उधर की जमीन नाप लो, जिस जमीन के नेड़े तेड़े हुए था वो जीत गया। अगर ये इधर से आ रहा है, ये जमीन थोड़ी है लिहाजा इसने ज्यादा फासला तय नहीं किया, इसलिए जहन्नम जाएगा। इधर जा रहा इस जमीन के करीब है तो ज्यादा फासला तय कर लिया, इसके करीब हो गया, जन्नत जाएगा। चुनांचे उन्होंने कहा मंजूर। दोनों जमीन गिनने नापने लगे, फरिश्ते थे दोनों नापने लगे, तो अल्लाह का हुक्म बराह रास उस जमीन की तरफ आया जिस तरफ से वो आ रहा था, ए जमीन लंबी हो जा, और जिधर जा रहा था उसकी तरफ हुक्म आया, ए जमीन छोटी हो जा, सुकड़ जा। चुनांचे जब नापा ना तो सिर्फ एक बारिश का फर्क था, इतना बारिश का फर्क, इधर से ज्यादा नेड़े था, बस इतना ही ज्यादा, फैसला हो गया कि जन्नत में जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है।